रोज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के अंदर क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की कब्र मुबारक अंदर से कैसी है? नाज़रीन, हुजरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ऐसी जगह है जहाँ जिब्रील अमीन भी मुअद्दब होके आते थे। उसी जगह पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपनी तमाम तर हयात बसर की। यहीं आप अपने खालिक हकीकी से मिले और यहीं आप आज भी मौजूद हैं। यही वो दरगाह है जहाँ बड़े बड़ों की सांसें गुम हो जाती हैं। यह अदबगाह है, कोई और कायनात में ऐसी जगह नहीं है जहाँ तमाम अंबिया के सरदार का जसद अथर, जसद मुनव्वर अपनी असली और सही हालत में मौजूद है। एक सही हदीस मुबारक का खुलासा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का जसद अथर आज भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में अपनी असली तरोताज़ा हालत में मौजूद है, क्योंकि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के जिस्मों को मट्टी नुकसान नहीं पहुंचाती। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के अंदर क्या है और सऊदी हुकूमत ने वो कौन सी तस्वीर जारी की हैं जिनके मुतालिक कहा जा रहा है कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की कब्र अनवर की तस्वीर है, और वो कौन सी आम शख्सियात हैं जिनको ये सआदत मिली कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की कब्र अनवर तक गए। उस जगह को मस्जिद नबवी में क्यों शामिल किया गया, उसके साथ साथ इस जगह की दिलचस्प तारीख भी आपको बताएंगे। इन कीमती मालूमात को मुकम्मल जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, दुनिया का कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिसकी ख्वाहिश ना हो कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की जियारत कर ले, मगर दुनिया के सिर्फ चंद ही ऐसे अफराद हैं जिनको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में दाखिल होने की सआदत हासिल हो सकी। इनमें पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक भी शामिल हैं, जिनको एक ही दिन में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में दो मरतबा दाखिले की इजाज़त मिली। ऐसा ही एक शख्स और भी है जिन्हें तारीख में पहली मरतबा 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में दाखिले की इजाज़त मिली। ये कोई और नहीं, चेचनिया के सदर हैं। वो जैसे ही रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में दाखिल हुए तो उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवा हो गया। हिचकियाँ तो जालियों के सामने ही बन चुकी थी। चेचनिया के सदर मेहराब फातिमा के सामने पहुंचे तो बेइख्तियार रब्बे ताला के हुजूर मेहराब में सजदा रेज हो गए। कब्र मुबारक के दरमियान हाइल सब्ज पर्दे को थाम कर रमजान कदीरौफ ने दुरूद सलाम का विर्द किया। तारीख में पहली बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की रमजान कदीरौफ के वहां दाखिले के मौके पर अंदर की अक्सबंदी की गई, और ये तस्वीर और अक्सबंदी मीडिया को फराहम की गई। सऊदी हुकूमत ने इसे ऑफिशियली मीडिया चैनल्स पर भी रिलीज किया और ये तस्वीर खासी वायरल भी रही। रमजान कदीरौफ वो पहले शख्स है जिन्हें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में दाखिले की इजाज़त 12 रबीउल अव्वल को दी गई। ताहम दुनिया में दो ऐसे और लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने सब्ज पर्दे के पीछे मौजूद कई दीवारों के बाद मौजूद कब्र अथर की जियारत की है। उनमें से एक शख्स हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का गुलाम था। तारीखी रिवायात के मुताबिक 91 हिजरी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के गुलाम को ये सआदत हासिल हुई, जबकि 881 हिजरी में मारूफ मौर्रिख अल्लामा समूदी के बयान के मुताबिक वो खुद कब्र मुबारक तक पहुंचे और शर्फ जियारत हासिल किया। दोस्तों, यहां आपके इल्म में ये बात लाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के रोज़े में जो सब्ज पर्दे कब्र मुबारक के आगे हायल हैं उसके पीछे मजीद चार दीवारें हैं और फिर एक दीवार मौजूद है, यानी पांच दीवारें हैं जिनमें कोई दरवाज़ा नहीं, और उसके पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की कब्र मुबारक अपने दो सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कबूर के हमरा मौजूद है। 5.5 सदियों से कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक नहीं जा सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की कबूर मुबारक के गिर्द एक चार दीवारी मौजूद है, जिससे मुत्तसिल एक और दीवार मौजूद है जो कि पांच दीवारों पर मुश्तमिल है। ये पांच कोनों वाली दीवार हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने तामीर करवाई, और इसके पांच कोने रखने का मकसद इसे खाने काबा की मुशाबहत से बचाना था। इस पांच दीवारी के गिर्द एक और पांच दीवारी वाली फसील है, और इस पांच दीवारों वाली फसील पर एक बड़ा सा पर्दा या गिलाफ डाला गया है, और ये सब दीवारें बगैर दरवाजे के हैं और किसी भी शख्स के इन दीवारों के अंदर जाने का कोई इम्कान नहीं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के अंदर से ज़ियारत करने वाले इस पांच कोनों वाली दीवार पर पड़े पर्दे तक ही जा पाते हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए आने वाले ज़ायरीन जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की जालियों के सामने खड़े होते हैं तो जालियों के सुराखों से उन्हें बस वो पर्दा ही नजर आ रहा होता है जो हुजरा शरीफ की पांच दीवारी पर पड़ा हुआ है। इसी तरह दुरूद सलाम पेश करने वाले और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की कब्र अथर के दरमियान का फासला होता है, लेकिन दरहकीकत
दरमियान में कुल चार दीवारें हायल होती हैं, एक सुनहरी जालियों वाली दीवार, दूसरी पांच कोनों वाली दीवार, तीसरी एक और पांच दीवारी और चौथी वो दीवार जो कि असल हुजरे की दीवार थी। गुज़िश्ता 1300 साल से इस पांच दीवारी हुजरे के अंदर कोई नहीं जा सका सिवाय दो मवाकों के, जिनका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक एक बड़े हॉल में है। हॉल में जाने का दरवाज़ा मशरिक की जानिब है, यानी जन्नतुल बकी की समत। ये दरवाज़ा सिर्फ खास शख्सियात के लिए खोला जाता है और इस दरवाजे से अंदर दाखिल हों तो बाएँ जानिब हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा की मेहराब है। इसके पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई, जिसे सरीह कहा जाता है। हॉल में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब जाएँ तो सब्ज़ गिलाफ़ से ढकी हुई एक दीवार नज़र आती है। 1400 हिजरी में इस गिलाफ को तब्दील किया गया था। इससे कबल ढांपा जाने वाला पर्दा 1370 हिजरी में शाह अब्दुल अजीज के ज़माने में तैयार किया गया था। मजकूरा दीवार 881 हिजरी में उस दीवार के अतराफ तामीर की गई जो 91 हिजरी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने तामीर की थी। इस बंद दीवार में कोई दरवाज़ा नहीं। क़िबले की समत इसकी लंबाई 8 मीटर और मशरिक़ व मगरिब की समत 6.5 मीटर और शुमाल की जानिब दोनों दीवारों की लंबाई मिलाकर 14 मीटर है। कहा जाता है कि 11 हिजरी से लेकर 881 हिजरी तक कोई भी शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को नहीं देख पाया। उसके बाद 881 हिजरी में हुजरे मुबारक की दीवारों के बोसीदा हो जाने पर उनकी तामीर नौ करनी पड़ी। उस वक्त नामवर मौर्रिख और फ़कीह अल्लामा नूरुद्दीन अबुल हसन मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, जिन्हें दीवारों की तामीर के काम में हिस्सा लेने की सआदत हासिल हुई। वो लिखते हैं कि 14 शाबान 881 हिजरी को पंच दीवारी मुकम्मल तौर पर ढा दी गई। देखा तो अंदरूनी चार दीवारी में भी दरारें पड़ी हुई थीं, चुनाचे वो भी ढा दी गईं। अब मेरी आंखों के सामने मुकद्दस हुजरा था, मुझे दाखिले की सआदत मिली। मैं शुमाली सिंत से दाखिल हुआ, खुशबुओं की ऐसी लपट आई जो फिर ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं हुई। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों खुलफा के हुजूर अदब से सलाम पेश किया। मुकद्दस हुजरा मुरबी शक्ल का था, उसकी चार दीवारी स्याह रंग के पत्थरों से बनी थी, जैसे खाने काबा की दीवारों में इस्तेमाल हुए। चार दीवारी में कोई दरवाज़ा नहीं था। मेरी पूरी तवज्जो तीनों कब्रों पर मरकूज थी। तीनों तकरीबन सतह ज़मीन के बराबर थीं। तीनों सतह ज़मीन के बराबर होने की वजह से एक जगह ज़रा सा उभार नज़र आता था। ये शायद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र थी। कब्रों पर आम सी मिट्टी पड़ी हुई थी। इस बात को 5 सदियाँ बीत चुकी हैं जिसके दौरान कोई इंसान इन बंद और मुस्तहकम दीवारों के अंदर दाखिल नहीं हुआ। अलसमूदी ने हुजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए तहरीर किया कि उसका फ़र्श सुर्ख रंग की रेत पर मबनी है। हुजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्श मस्जिद नबवी के फर्श से 60 सेंटीमीटर नीचे है। हुजरे की छत खत्म करके उसकी जगह लकड़ी की टेक की छत नस्ब की गई जो हुजरे पर लगी जालियों की तरह है। इस लकड़ी के ऊपर एक छोटा सा गुंबद तामीर किया गया है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है और ये गुंबद खिजरा के ऐन नीचे वाक़ है। ये तमाम मालूमात मारूफ किताब वफा अल वफा बाग पायदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलिफ अल समूदी ने अपनी तसनीफ में दर्ज की हैं। मस्जिद नबवी, हुजरा शरीफ और कब्र मुबारक के हवाले से ये किताब मुस्तनद हवाला समझी जाती है। यहाँ तक कि विकिपीडिया में रोज़ा अथर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक दर्ज तमाम तफसीलात भी इससे अखज शुदा हैं। अल्लामा अलसमूदी की वफ़ात 911 हिजरी में हुई। 881 हिजरी और 1477 ईस्वी से लेकर अब तक तकरीबन 550 साल के अरसे में कोई इंसान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत नहीं कर सका। जहाँ तक चाचन सदर रमज़ान कदीरोफ को ले जाया गया, वहाँ से आगे मजीद चार दीवारें और हैं, इसलिए किसी भी शख्स का जाना और पहुँचना कोई आम बात नहीं होगी। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत हर मुसलमान के ईमान का लाजमी जुज़ है। ताहम इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता किसी भी चीज़ की सबसे पहले तस्दीक कर लेनी चाहिए। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि सोशल मीडिया और दीगर ज़राए से हासिल होने वाली कई चीज़ें जैसे कि तलवार और कब्र मुबारक की तस्वीर वगैरह को हम लोग तस्दीक के बगैर ही मान लेते हैं, तो ऐसा ना किया जाए। जबकि इस तरह की चीज़ों को हमें देने के बजाय अगर हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा अहमियत दें और आपके अहकामात व तालीमात पर अमल करें, तो इससे न सिर्फ हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब बरपा होगा बल्कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ्यूज़ व बरकात हमारी उखरवी ज़िंदगी के सफ़र में भी हमारे काम आएंगे। नाज़रीन, रोज़ा रसूल या मस्जिद नबवी दुनिया में मुसलमानों का दूसरा मुकद्दस तरीन मकाम है और उसे पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी में उनके हेडक्वार्टर की हैसियत हासिल थी। मस्जिदुल हराम के बाद रूए ज़मीन पर मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन मस्जिद नबवी की तामीर का आगाज़ 18 रबीउल अव्वल यकुम हिजरी को हुआ। मस्जिद नबवी में अदा की गई नमाज का सवाब मक्का में खाने काबा वाली मस्जिदुल हराम के अलावा किसी भी दीगर मसाजिद में अदा की गई नमाज के मुकाबले में 1000 गुना ज़्यादा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत करने के फौरन बाद इस मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया और ख़ुद भी इसकी तामीर में भरपूर शिरकत की।
मस्जिद की दीवारें पत्थर और ईंटों से जबकि छत खजूर की छाल और लकड़ियों से बनाई गई थी। मस्जिद से मुलहका कमरे भी बनाए गए थे जो आहज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और बाज़ असहाब रज़ियल्लाहु अन्हुम के लिए मखसूस थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तशरीफ आवरी और मस्जिद नबवी की तामीर के बारे में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन मदीना तशरीफ लाए थे, आपकी आमद की वजह से उस दिन मदीने का गोशा गोशा रोशन हो गया था। हुज़ूर की ऊँटनी बनू नजार के मोहल्ले में पहुँची तो उनकी खुशी दीदनी थी। सबकी ज़बान पर अब एक ही सवाल था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस घर में तशरीफ़ फरमा होंगे। सबकी ख्वाहिश ये थी कि ये फ़ख्र और इज़्ज़त उसी के हिस्से में आए। बाज़ लोग जोश मोहब्बत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की बागों को पकड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते। यह हालत देखकर रसूल खुदा ने फरमाया, मेरी ऊँटनी को छोड़ दो कि ये इस वक्त मामूर है, यानी जहाँ खुदा का मंशा होगा ये वहीं बैठ जाएगी। ये फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी की बागें ढीली छोड़ दीं। चुनाचे ऊँटनी आगे बढ़ती रही और थोड़ी दूर जाकर उस जगह बैठ गई जहाँ बाद में मस्जिद नबवी और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुजरात तामीर हुए। यहाँ बैठने के बाद ऊँटनी दोबारा उठ गई, मगर चंद कदम चलने के बाद फिर लौट आई और उसी जगह जहाँ पहले बैठी थी दोबारा बैठ गई। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाजा इंशाअल्लाहुल मंजिलु। बुखारी किताबुल हुजरात। यानी मालूम होता है कि खुदा की मंशा में यही हमारी कयामगाह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिया फरमाया कि अपने लोगों में से यहाँ करीब तरीन घर किसका है। इस पर हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन आगे बढ़े और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा घर है और ये मेरा दरवाज़ा है, तशरीफ़ ले चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा जाओ और हमारे लिए कोई ठहरने की जगह तैयार करो। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन अपने मकान को ठीक करके आ गए, चुनाचे हुज़ूर अलैहिस्सलाम उनके साथ तशरीफ़ ले गए। जिस जगह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ऊँटनी बैठी थी वो जगह दो मुसलमान बच्चों सहल और सुहेल की मलकियत थी, जो हज़रत असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु अन्हु की निगरानी में रहते थे। रिवायत के मुताबिक ये दोनों बच्चे यतीम थे। जब इन दो यतीमों को मस्जिद की तामीर की इत्तला हुई तो इन दोनों ने ये जगह हदीये के तौर पर देना चाही, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ख्वाहिश के बावजूद उसे हदिया लेना पसंद नहीं किया, बल्कि इसकी पूरी कीमत अता फरमाई। ज़ाहिर है उन यतीमों की अगर ये ज़मीन हदिया हो जाती तो ये बिला कीमत होती और उनके लिए किसी न किसी तरह ये खसारा होता, क्योंकि एक यतीम के लिए जायदाद बहुत बड़ा माली सहारा होती है। चुनाचे रसूल रहमत ने उनकी ज़मीन मस्जिद नबवी के लिए मंजूर फरमाकर उनका दिल रखा और कीमत देकर उनको माली सहारा फराहम किया और किसी तरह का खसारा ना होने दिया। यतीमों की दिलजोई और उनके साथ रहमत की ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। नाज़रीन, ये एक नाहमवार जगह थी जिसके एक हिस्से में कहीं कहीं खजूरों के दरख्त थे और बाकी हिस्से में कुछ खंडरात थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मस्जिद और अपने हुजरात की तामीर के लिए इस जगह को पसंद फरमाया और 10 दीनार में ये ज़मीन ख़रीद ली। चुनाचे दरख्तों को काट कर और जगह को हमवार करके मस्जिद नबवी की तामीर शुरू कर दी गई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुदा ताला से दुआ मांगते हुए मस्जिद का संगे बुनियाद रखा। सहाबा ने, मेमारों और मजदूरों ने काम किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी खुद भी तामीर के काम में शिरकत फरमाते। मस्जिद की इमारत पत्थरों की सिलों और ईंटों की थी, जबकि छत खजूर के तनों और शाखों को डालकर बनाई गई। मस्जिद का फर्श कच्चा था और ज़्यादा बारिश के वक्त छत टपकने लग जाती थी। बाद में कंकरियों का फर्श बनाया गया, पत्थर को गारे के साथ चुन दिया गया, खजूर की टहनियाँ और तने छत के लिए इस्तेमाल हुए और इस तरह सादगी और वक़ार के साथ मस्जिद का काम मुकम्मल हुआ। मस्जिद से मुत्तसिल एक चबूतरा बनाया गया जो ऐसे अफराद के लिए दारुल इक़ामा था जो दूर दराज से आते थे और मदीना मुनव्वरा में उनका अपना घर ना था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पत्थर और ईंटें उठाईं और तामीर में हिस्सा लिया। इस मस्जिद के तीन दरवाजे बनाए गए, जिनमें रहमत का दरवाज़ा और उसे आतका का दरवाज़ा मगरिब की तरफ, उस्मान का दरवाज़ा कहा जाता है, जिब्रील का दरवाज़ा कहा जाता है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते थे, मशरिक की तरफ और पीछे जुनूब की तरफ एक दरवाज़ा बनाया और मस्जिद क़िबलाए बैतुल मक़द्दस की तरफ बनाया। एक दरवाज़ा बंद कर दिया गया और दूसरा खोला गया जिसका रुख शुमाली तरफ था। पहले पहल मस्जिद का रुख बैतुल मक़द्दस की तरफ था, लेकिन तहवील काबा के वक्त रुख तब्दील कर दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने मस्जिद नबवी की बुनियाद 1050 मुरब्बा मीटर जगह से रख। मस्जिद की तामीर के बाद मुख्तलिफ अदवार में मस्जिद नबवी की तौसी की जा चुकी है। 1050 मुरब्बा मीटर से शुरू होने वाली मस्जिद नबवी में क़याम के बाद से अब तक 300 गुना इजाफा किया गया है। इसी तौसी के अमल के दौरान रोज़ा रसूल मस्जिद नबवी के अंदर आ गया, वरना शुरू में ये मस्जिद से बाहर था। मस्जिद कुबा के बाद मदीना में तामीर होने वाली ये दूसरी मस्जिद मस्जिद नबवी है।
इस मस्जिद में वो मकाम भी है जिसे रियाजुल जन्ना या जन्नत के बागों में से एक बाग कहा जाता है। सही बुखारी में अबू हुरैरा से मंसूब एक हदीस के मुताबिक पैगंबर इस्लाम ने कहा था कि मेरे घर और मस्जिद नबवी के मिंबर के दरमियान एक जगह जन्नत के बाग का टुकड़ा है। 1400 बरस से ज्यादा कदीम मस्जिद आज वसत पाते पाते कदीम मदीना शहर की हदूद से बाहर तक फैल गई है और वो सारा इलाका जो इस्लाम के इब्तदाई दौर का शाहिद है अब उसका हिस्सा बन चुका है। इस इलाके में इस्लाम के इब्तदाई दौर की हजारों निशानियां मौजूद थीं, जैसा कि रोज़ा रसूल, जहां जनाब शेखैन करीमैन हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु भी दफन है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर बीवियों के मकानात गुज़िश्ता सदियों में मस्जिद को दी जाने वाली वसअत के नतीजे में अब उसके अंदर आ गए हैं। 1441 बरस कबल ये मस्जिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से मुत्तसिल जगह पर 632 ईस्वी में तामीर की गई थी और आने वाली सदियों में कई मरतबा इसको वसअत दी जाती रही। 1909 में जजीरा नुमा अरब में मस्जिद नबवी वो वाहिद इमारत थी जहां रोशनी के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जाता था। सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल अजीज के दौर में इसको वसी करने का सबसे बड़ा मंसूबा शुरू किया गया जो अब भी तकमील के मराहिल में है। कहा जाता है कि इस मंसूबे की तकमील के बाद हर बरस करोड़ों अकीदतमंदों की मंजिल बनने वाली इस मस्जिद में एक वक्त में 18 लाख अफराद के नमाज पढ़ने की गुंजाइश होगी। नाजिन मस्जिद नबवी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है और इस्लाम का दूसरा मुकद्दस तरीन मकाम है। मस्जिद मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन मकाम है, जबकि बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा इस्लाम का तीसरा मुकद्दस मकाम है। मस्जिद नबवी सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में वाक़ है। तारीख में मस्जिद नबवी में कई बार तौसी की गई, जिनमें खुलफाए राशिदीन, खिलाफत उमविया, खिलाफत अब्बासिया, सल्तनत उस्मानिया और आखिरकार सऊदी रियासत के दौर में भी तौसी हुई। सऊदी दौर में इसकी सबसे बड़ी तौसी 1994 में हुई थी। मस्जिद नबवी जजीरनुमा अरब में पहली जगह है जिसे 1909 में बरकी चिरागों के इस्तेमाल से रोशन किया गया था। उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ से 91 हिजरी में तौसी के बाद हुजरा नबवी को मस्जिद में शामिल किया गया, जो उस वक्त पैगम्बर के हुजरे के नाम से जाना जाता है, जो मस्जिद के जुनूब मशरकी कोने में वाक़ है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को दफन किया गया था और इस पर गुंबद खिजरा बनाया गया था। ये मस्जिद नबवी की सबसे नुमाया निशानियों में से एक है। मस्जिद नबवी ने सियासी और समाजी जिंदगी में एक अहम किरदार अदा किया, क्योंकि एक समाजी मरकज, अदालत और मजहबी दरसगाह के तौर पर काम करती थी। मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा के मरकज में वाक़ है, जिसके इर्द गिर्द बहुत से होटल और पुराने बाजार हैं। जो लोग यहाँ हज या उमरा करने आते हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की भी जियारत करते हैं। नाज़िम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने इसकी तामीर का किस्सा अनस बिन मालिक से एक तवील हदीस में बयान किया है, जिसमें वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया, बनु नजार की एक जमात आई और वो आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बनु नजार, मुझे अपनी इस दीवार का दर्जा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो वही था जो मैं तुमसे कहता हूँ। वहाँ मुशरिकीन की कब्रें थीं, उसमें खंडर थे और उसमें खजूर के दरख्त थे, दरवाजे के दोनों तरफ पत्थर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने इस पत्थर को हरकत दी जब वो कांप रहे थे और रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनके साथ ये कह रहे थे, ऐ खुदा, आखिरत की भलाई के सिवा कोई भलाई नहीं, बस अंसार और महाजरीन को फतह अता फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर और आराइश से इनकार कर दिया था, जैसे कि इबादा बिन सामत ने बयान किया है कि अंसार ने रकम जमा की और उसे नबी अलैहिस्सलाम के पास ले आए और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, इस मस्जिद को बनाएं और इसको संवारें, क्योंकि हम कब तक इस दरख्त के नीचे नमाज पढ़ेंगे। उसने कहा, मुझे अपने भाई मूसा अलैहिस्सलाम के दरख्त की ख्वाहिश नहीं है। सात हिजरी बा मुताबिक 628 हिजरी में मुहर्रम के महीने में जंग खैबर के बाद और मदीना में मुसलमानों की तादाद में हिजरत के नतीजे में इजाफा होने की वजह से मस्जिद नबवी नमाजों से खचाखच भर गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका रकबा बढ़ाने का फैसला किया तो इसकी चौड़ाई में 20 मीटर और लंबाई में 15 मीटर इजाफा हुआ तो इसका रकबा 2500 मीटर मुरबा हो गया और ये ज़मीन उस्मान बिन अफ़ान ने खरीदी थी। मस्जिद नबवी की जुनूबी तरफ से अपनी सरहद पर कायम मस्जिद जुनूब की तरफ से अपनी सरहद पर कायम रही और शुमाली तरफ से इसकी सरहद इस शानदार छत वाली इमारत के साथ खत्म होने तक थी और मगरिब की जानिब से इसकी सरहद मिंबर का पांचवां सिलेंडर था जिस पर लिखा था मस्जिद नबवी की सरहद।
और उसकी छत की ऊंचाई तकरीबन 3.5 मीटर थी। कई मुस्लिम हुक्मरानों ने इसमें तौसी और तज़ीन और आराइश का काम किया। गुंबद खिजरा को मस्जिद नबवी में इम्तियाजी खसूसियत हासिल है, जिसके नीचे मोहम्मद अलैहिस्सलाम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक के रोज़ा मुबारक हैं। ये मकाम दरअसल उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा का हुजरा मुबारक था। रियासत मदीना में मस्जिद नबवी की हैसियत मुसलमानों के लिए इबादतगाह, कम्युनिटी सेंटर, अदालत और मदरसे की थी। मस्जिद के दरमियान में इमारत का अहम तरीन हिस्सा मोहम्मद अलैहिस्सलाम का मज़ार वाक़ है, जहां हर वक्त ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद रहती है। मुसलमानों का अकीदा है कि यहां मांगी जाने वाली हर दुआ मकबूल होती है। खुसूसन हज के मौके पर रश के बायस इस मकाम पर दाखिला इंतहा मुश्किल हो जाता है। इसी मकाम पर मिंबर रसूल भी है। संगे मरमर का बना हालिया मिंबर उस्मानी सलातीन का तैयार करता है। सऊदी अरब के क़याम के बाद मस्जिद नबवी में कई मरतबा तौसी हुई, लेकिन शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में मस्जिद की तौसी का अजीम तरीन मनसूबा तश्कील दिया गया, जिसके तहत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के तमाम शहर मदीना को मस्जिद का हिस्सा बना दिया गया। इस अजीम तौसी मनसूबे के नतीजे में मस्जिद तामीरात का अजीम शाहकार बन गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी और हुजरों का नमूना और उस दिन क़िबला यरूशलम की तरफ 17 हिजरी में और इस्लामी फतूहात और इस्लामी रियासत की तौसी के नतीजे में मुसलमानों की बड़ी तादाद की वजह से खलीफा उमर बिन खत्ताब ने मस्जिद नबवी की तौसी की, और ये मस्जिद नबवी की पहली तौसी थी। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसकी तामीर और तौसी से अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हों ने मस्जिद के रकबे में कोई इजाफा नहीं किया, जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हों ने खिलाफत संभाली तो उन्होंने कहा, मैं मस्जिद में मजीद इजाफा करना चाहता हूँ। अगर मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते ना सुना होता मस्जिद को बढ़ाया जाए तो मैं इसमें कुछ इजाफा ना करता। उमर बिन खत्ताब ने मस्जिद की तौसी के लिए इर्द गिर्द मकानात खरीदना शुरू कर दिए, सिवाय उन मकानात के जो उम्महातुल मोमिनीन के पास थे, और मस्जिद के क़िबले की तरफ अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के घर को भी शामिल करना था, जिसे बाद में हज़रत अब्बास ने मस्जिद नबवी की तौसी के लिए अतिया कर दिया था। दौरे नबवी और उस्मानी दौर के दरमियानी बरामदा जो तकरीबन 5 मीटर लंबा था, शुमाल की जानिब से 15 मीटर और मगरिब की जानिब से 10 मीटर बढ़ गया और मशरिक की जानिब से नहीं बढ़ा। शुमाल से जुनूब तक मस्जिद की लंबाई 70 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर और उसकी छत की ऊंचाई तकरीबन 5.5 मीटर थी। हज़रत उमर ने इसके लिए 6 दरवाजे बनाए थे, पुराने 3 जो मगरबी दीवार के शुरू में अमन का दरवाज़ा और मशरकी दीवार में औरतों का दरवाज़ा और शुमाली दीवार में एक दरवाज़ा खोला। उमर के दौर में कंकरियां छोटे पत्थरों को जो अकीक से बने थे मस्जिद नबवी में फैलाई गईं। उमर की तौसी के लिए अबू बकर के घर को मस्जिद में शामिल करने की ज़रूरत थी, जो मगरबी जानिब मस्जिद से मुत्तसिल थी। उमर बिन खत्ताब ने मस्जिद के बाहर अलबथा के नाम से एक जगह बनाई और आपने फरमाया, जो कोई मस्जिद के बाहर आवाज़ बुलंद करेगा या शेर पढ़ना चाहता है तो वो यहाँ से निकल जाए। अलबत्ता को मशरकी जानिब पिछले हिस्से में बनाया गया। मस्जिद नबवी में उमर बिन खत्ताब की तौसी के बाद हज़रत उस्मान के दौर में नमाजी और जायरीन के लिए जगह कम पड़ गई, लिहाजा खलीफा राशिद उस्मान बिन अफान ने 29 हिजरी 649 में रबीउल अव्वल के महीने में मस्जिद नबवी की तौसी की। तौसी का काम मुहर्रम के पहले महीने में 30 हिजरी में शुरू हुआ और ये 10 माह में मुकम्मल हुआ। मस्जिद नबवी जुनूबी जानिब 5 मीटर और मगरबी जानिब उसमें मजीद 5 मीटर का इजाफा किया गया। मिंबर और शुमाली जानिब भी 5 मीटर का इजाफा किया गया। हज़रत उस्मान ने कंधा शुदा पत्थरों और प्लास्टर से मस्जिद नबवी के सुतून बनाए और मस्जिद की छत को सागवान की लकड़ी से ढांप दिया। मस्जिद के एक हिस्से में ईंटों का एक कमरा भी बनाया गया, जिसमें लोग उमर बिन खत्ताब के खौफ से नमाज पढ़ते थे। मस्जिद नबवी की तौसी और तामीराती काम में हज़रत उस्मान रजी अल्लाह अन्हों खुद शामिल रहे और उसकी खुद निगरानी की। नाज़रीन, मस्जिद नबवी का निज़ाम इसी तरह चलता रहा जैसे उसे खलीफा उस्मान बिन अफ़ान ने बनाया था। उसके बाद अली बिन अबी तालिब, मुआविया बिन अबू सुफियान और उनके बेटे यजीद बिन मुआविया और मरवान बिन हुकुम और उनके बेटे अब्दुल मालिक बिन मरवान ने इसमें कुछ इजाफा नहीं किया। और जब वलीद बिन अब्दुल मालिक ने उमर बिन अब्दुल अजीज़ को मदीना मुनव्वरा और मक्का का गवर्नर बनाया तो वलीद बिन अब्दुल मालिक ने उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास एक कासिद भेजा और उन्हें हुक्म दिया कि मस्जिद नबवी की तामीर और उसके चारों अतराफ की तौसी की जाए। चुनाचे उमर बिन अब्दुल अजीज ने उम्महातुल मोमिनीन के कमरे और मस्जिद के आसपास के दूसरे मकानात खरीद लिए, जैसे जुनूबी जानिब हफ्जा बिनते उमर का घर और 3 मंजिलें जो अब्दुलरहमान बिन औफ की थीं। 88 हिजरी बा मुताबिक 707 ईस्वी में रबीउल अव्वल के महीने में तामीरात का आगाज किया और 710 ईस्वी बा मुताबिक 91 हिजरी में मुकम्मल किया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने मस्जिद नबवी की तामीर के तमाम मराहिल की निगरानी खुद की और वो उम्महातुल मोमिनीन के कमरों में दाखिल हुए जो मस्जिद के मशरकी और शुमाली जानिब वाक़े हैं, और इससे पहले लोग मस्जिद की तंगी की वजह से उन कमरों में जुमे की नमाज अदा करने के लिए दाखिल होते थे।
और इसके मस्तूल कुंदा पत्थरों से बने हुए थे और ये लोहे और शीशे के सतूनों से भरा हुआ था। इस तौसी में पहली बार मस्जिद के मीनार मुतारिफ कराए गए। उमर बिन अब्दुल अजीज ने मस्जिद के चारों कोनों पर तकरीबन 30 मीटर ऊंचे और 4 मीटर चौड़े 4 मीनार बनवाए थे, जिनमें से एक सुलेमान अब्दुल मालिक के दौर में मुनहदिम हो गया था। इसी तरह पहली बार मस्जिद में मेहराब भी बनाया गया और मस्जिद की दीवारों को संगे मरमर और सोने की पिचकारी से सजाया गया और छत की गोलाई, दरवाजों की चौखटें, मशरकी जानिब तौसी और मस्जिद की दो छतों की तामीर और मस्जिद के लिए 20 नए दरवाजे खोलना, जिनमें 8 दरवाजे मशरकी जानिब, 8 दरवाजे मगरबी जानिब और शुमाल की तरफ 4 दरवाजे शामिल थे। नाजिन, खिलाफत अब्बासिया के दौर में अबू जाफर अल मंसूर ने मस्जिद नबवी की तौसी का मंसूबा बनाया, लेकिन मस्जिद में कुछ इजाफा किए बगैर ही वफात पा गए। फिर इसके बाद अल महदी बिल्लाह ने 160 हिजरी में हज के दौरान मदीना मुनव्वरा का दौरा किया और उसमें इजाफे का हुक्म दिया तो उसने शुमाली जानिब से 30 मीटर बढ़ा दिया। उसने क़िबले की जानिब और मशरक़ मगरब में कुछ इजाफा ना किया। तामीराती काम 161 हिजरी ब मुताबिक 778 ईस्वी को शुरू हुआ और 4 साल तक जारी रहा और ये 782 ईस्वी ब मुताबिक 165 हिजरी में मुकम्मल हुआ। अब्बासी खुलफा ने मस्जिद नबवी की देखभाल जारी रखी और उन्होंने इसकी तज़ीन व आरायश की, लेकिन 654 हिजरी में मस्जिद नबवी में पहली बार आतिजदगी का वाक़ पेश आया और उस आग ने मस्जिद को जला डाला। 654 हिजरी में रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमे की रात को मस्जिद नबवी में पहली बार आग उस वक्त लगी जब मस्जिद का एक खादिम मस्जिद के मीनारों के लिए चिराग निकालने के लिए शुमाल मगरबी जानिब के गोदाम में दाखिल हुआ। उसने अपने पास मौजूद चिराग को बुझाए बगैर गोदाम में छोड़ दिया। जब गोदाम को आग ने अपनी लपेट में ले लिया तो मदीने के लोग जमा हो गए और उसे बुझाने की कोशिशें करते रहे, लेकिन उसे बुझाने में नाकाम रहे। आग ने मस्जिद की तमाम छत को अपनी लपेट में ले लिया और मस्जिद नबवी में मौजूद हर चीज़ को तबाह कर दिया, जिसमें मिंबर, दरवाजे, अलमारियां, खिड़कियां, किताबें और कमरे की चादरें जिस पर 11 पर्दे थे, कमरों की छतें भी गिर गईं। इस वाक़े के बाद अब्बासी खलीफा अल मुतासिम बिल्लाह ने 655 हिजरी ब मुताबिक 1257 ईस्वी में मस्जिद नबवी की तामीर नौ का हुक्म दिया और जब तामीर का काम शुरू हुआ तो कमरे में मौजूद कब्रों पर छतों से जो गिरा था उसे हटाने का इरादा किया, लेकिन मजदूरों ने ऐसा करने की हिम्मत ना की और वो खलीफा अल मुस्तासम बिल्लाह के जवाब का इंतजार करते रहे, लेकिन उनके पास कोई जवाब ना आया क्योंकि बगदाद पर तातारियों ने हमला कर दिया था। उन्होंने बगदाद पर कब्जा कर लिया। 656 हिजरी में तातारियों के हाथों खलीफा अल मुस्तासम बिल्लाह के कत्ल के बाद अब्बासी खिलाफत के खात्मे के बाद मदीना की देखभाल का मामला मिस्र की रियासत ममलूक की तरफ चला गया। चुनाचे मिस्र के बादशाह मंसूर नूरुद्दीन अली बिन ऐबक ने और यमन के बादशाह अल मुजफ्फर यूसुफ बिन उमर बिन अली बिन रसूल की मदद से तामीर नौ का अमल मुकम्मल किया। 657 हिजरी में मिस्र के बादशाह अल मंसूर नूरुद्दीन को माजूल कर दिया गया और उसकी जगह सैफुद्दीन कतर ने इख्तदार संभाला तो उसने उसी साल मस्जिद नबवी में काम शुरू करवाया, लेकिन उसे जल्द ही कत्ल कर दिया गया और उसके बाद मिस्र की हुकूमत बैबरस ने संभाली। उसने मस्जिद नबवी की तौसी के लिए लकड़ी, लोहा, सीसा और 53 कारीगर शहजादा जमालुद्दीन मोहम्मद अल सालेही की जेर निगरानी भेजे। बैबरस ने उन्हें मशीनरी और खजात के सामान फराहम करना शुरू किए और मस्जिद का काम मुकम्मल करवाया। 678 हिजरी में नासिर मोहम्मद बिन कलावन के दौर में जब एक लकड़ी का गुंबद बाद में गुंबद खिजरा के नाम से जाना जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के ऊपर बनाया गया जो मुरब्बा शक्ल का था। गुंबद के नीचे और ऊपरी हिस्से के सुतूनों पर लकड़ी खड़ी की गई थी। उसके बाद 705 हिजरी या 706 हिजरी में सुल्तान मोहम्मद बिन कौलून ने मशरकी छत और मगरबी छत यानी मस्जिद के सहन के दाएं और बाएं एक की तजदीद की। 729 हिजरी में सुल्तान मोहम्मद बिन कौलून ने छत में दो पॉटे को शामिल करने का हुक्म दिया, फिर उनमें नुक्स पैदा हो गया और अल अशरफ सैफुद्दीन बरसाबी ने ज़िक़द में 831 हिजरी में उनकी तजदीद की। उसके बाद सैफुद्दीन जकमक के दौर में छत और मस्जिद की दीगर छतों में नुक्स पैदा हुआ और उसकी मरम्मत का काम 853 हिजरी में शहजादा बर्दीबक अल नसर अल मुअम्मर ने कराई। नाज़िन, उस्मानी हुक्मरानों ने 923 हिजरी बा मुताबिक 1517 ईस्वी में ममलूक रियासत के खात्मे के बाद मस्जिद नबवी का मामला अपने हाथ में लिया तो उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। इब्तदाई दौर में उन्होंने मस्जिद नबवी के ममलूक फन तामीर को महफूज किया और जब भी ज़रूरत पेश आई उसकी मरम्मत और बहाली का काम किया। उस्मानी सुल्तान सुलेमान अव्वल ने सबसे पहले मस्जिद नबवी की मरम्मत का काम अंजाम दिया। उन्होंने 946 हिजरी में मस्जिद के सब्ज गुंबद और मीनारों के ऊपर ममलूक हिलाल जो तांबे का बना था उसको सोने से चढ़े हुए हिलाल में तब्दील कर दिया। उन्होंने गुंबद और मिंबर पर एक हिलाल और हर बत्ती के ऊपर 5 हिलाल लगाए। 947 हिजरी बमुताबिक 1540 ईस्वी में शुमाल मशरकी मीनार अल संजरिया को मुनहदिम करके सुलेमानिया मीनार तामीर किया। इसकी बुनियाद की गहराई 8.53 मीटर और चौड़ाई 4.59 मीटर थी।
सुल्तान ने इमारत के लिए दरकार तमाम तामीराती सामान ऊँटों और जानवरों पर ले जाने के साथ मेमारों और मुजस्मा साजों की अफरादी क़ुव्वत भी भेजी और उन्हें ज़रूरत के मुताबिक सामान और दीगर अखराजात फराहम किए। 17 मुहर्रम 948 हिजरी व मुताबिक 13 मई 1541 को सुल्तान ने हनफी महराब की तामीर नौ की। 974 हिजरी व मुताबिक 1566 ईस्वी में मस्जिद नबवी में मरम्मत और बहाली का काम शुरू हुआ, जिसमें सबसे अहम दरवाज़ा रहमत की पूरी मगरबी दीवार की तामीर नौ थी और मस्जिद नबवी के मगरबी जानिब की छतों को छोटे गुंबदों से बदल दिया गया और सहन के गुंबदों की तामीर की गई। सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल के दौर में मस्जिद की सबसे बड़ी तौसी का आगाज़ 1849 ईस्वी ब मुताबिक 1265 हिजरी में शुरू किया गया और ये तौसी 1270 हिजरी ब मुताबिक 1860 में इख्तिताम पजीर हुई। इस फन तामीर का सिलसिला 13 साल जारी रहा। ये फन तामीर सबसे बड़ी बेहतरीन और खूबसूरत तौसीयात में से एक थी जो इससे पहले मस्जिद नबवी में नहीं की गई थी। इस तामीर में मस्जिद की छत मुकम्मल तौर पर गुंबदों से ढक गई जो 170 गुंबदों पर मुश्तमिल थी। छतों के ऊपर सब्ज गुंबद, फिर उस्मानी महराब का गुंबद, फिर बाबुल इस्लाम का गुंबद और बाकी गुंबद इतनी ही ऊंचाई पर हैं। इनमें से कुछ की खिड़कियां शीशे से ढकी हुई हैं। गुंबद कुदरती तस्वीर, कुरानी आयात और शायराना तहरीरों से मुजयन है। कुरान की सूरतें और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अलकलबी मस्जिद की दीवारों पर अरबी खत सलस में लिखे गए हैं। मस्जिद में सुल्तान अब्दुल हमीद ने कातिबों को कुरान की तालीम देने के लिए और शुमाली जानिब गोदामों को शामिल किया और मशरक में यह मरकजी जुनूब मशरकी मीनार से तकरीबन 2.6 मीटर बढ़कर बाबे जिब्रील तक पहुंच गया और तौसी का रकबा 1293 मुरबा मीटर तक पहुंच गया। अब अगर सऊदी रियासत के दौर में मस्जिद नबवी की तौसी की बात की जाए तो सऊदी दौरे हुकूमत में 2 बार मस्जिद नबवी की तौसी की गई। पहली सऊदी तौसी 13 रबीउल अव्वल 1372 हिजरी के मुताबिक 1952 ईस्वी को शाह अब्दुल अजीज आले सऊद के हुक्म से मस्जिद का काम शुरू हुआ। मस्जिद नबवी के अतराफ से ज़मीनें खरीदी गईं और मकानों और इमारतों को मुनहदिम करके नई तामीर के लिए तैयार किया गया। मस्जिद का कुल रकबा 16,326 मुरबा मीटर है, जिसमें 28,000 नमाजियों की गुंजाइश है। तामीर नौ के लिए शहर के करीब पत्थरों का कारखाना कायम किया गया और बाकी मवाद बहरी जहाज़ों के जरिए यम्बी के बंदरगाह और फिर बड़ी गाड़ियों के जरिए शहर तक पहुँचाया जाता था। तामीराती मकासद के लिए बंदरगाह पर उतारे जाने वाले मवाद की मकदार 30,000 टन से ज़्यादा थी। ये तौसी 1375 हिजरी के अवाइल में मुकम्मल हुई और इस मंसूबे की लागत 50 मिलियन सऊदी रियाल थी। नाजरीन, ये जगह जहाँ पर कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है यकीनन बहुत अहमियत और फजीलत वाली जगह है। बरसों से लाखों मुसलमान मस्जिद नबवी और उसके अहाते में वाक़ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत के लिए नहायत अकीदत एहतराम और ज़ौक़ व शौक़ के साथ मदीने जाते हैं। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ गो हैं कि वह हमें भी इस मुक़द्दस जगह की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन।